हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, ये देखिए मेरा एक देसी रोज़ का प्लान था जिस पर मैंने ग्राफ्टिंग की थी पिछली फरवरी में, और ये बहुत अच्छी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई। इसमें मैंने 5 कलर के गुलाब ग्राफ्ट किए थे, लेकिन उसमें से 2 मिनिएचर वैरायटी के थे, वो दोनों ख़राब हो गए, और इसमें 3 ग्राफ्टिंग ही सक्सेस हुई। ये देखिए, एक इस कलर को मैंने इस पर ग्राफ्ट किया था, और एक ये देखिए ये इसी पे ग्राफ्ट किया था, दूसरा इस पर एक येलो कलर का गुलाब मैंने ग्राफ्ट किया था, लेकिन उस पर अभी कुछ दिनों पहले स्पाइडर माइट का अटैक देखने को मिला। ये देखिए, ये जो ब्रांच है ये येलो कलर के गुलाब की है, और इसमें भी ग्रोथ हो रही है, इसमें फ्लावरिंग भी आ रही थी, लेकिन इसमें स्पाइडर माइट का अटैक मुझे दिखा, तो इसको मैंने इसकी पत्तियों को कम कर दिया है, और अब ये इसमें न्यू ग्रोथ जाएगी, उसमें कलियां भी बनेगी और फ्लावरिंग भी होगी। साथियों, ये मेरे पास एक देसी गुलाब था, गुलाबी रंग का, जिसमें ये देखिए 2 ब्रांचें निकली थी, एक ये और एक ये, तो मैंने इस वाली रूट पे ग्राफ्टिंग की थी। ये देखिए, यहाँ से मैंने 5 कलर के, और ये देखिए ये वाली जो है ये मिनिएचर वैरायटी की थी, ये ग्राफ्टिंग मेरी ख़राब हो गई थी, और इसी के पड़ोस में ये देखिए यहाँ से की थी और वो भी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये एक इस कलर का ये देखिए फ्लावर आता है इसमें किया था, और एक डार्क ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है। साथियों, ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, पर पिछली फरवरी में इसने फ्लावरिंग की थी और तीनों कलर के फ्लावर एक साथ खिले थे इसमें। मैं आगे अभी उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। साथियों, ये मेरे पास ये जो देसी रोज़ है पिंक कलर का, उसका ये एक ही प्लांट था जिस पे मैंने ग्राफ्टिंग कर दी। अब मेरे पास ये जो ब्रांच भी है, इसमें मैंने ये देखिए बारिश में भी ग्राफ्टिंग की थी। मैं देखना चाहता था क्या बारिश में ग्राफ्टिंग सक्सेस हो सकती है या नहीं, लेकिन ये देखिए मैंने 1 और 2 3 जगह मैंने ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई। इसमें से न्यू ग्रोथ ये देखिए आ रही है, इसमें भी फ्लावरिंग होती है, ये देखिए बड्स बन रही हैं इसमें, और इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, एक ही जगह से देखिए कई कलियां निकलती हैं, बहुत अच्छा फ्लावर होता है इसका भी। अब मैं इसको नवंबर के 1st वीक या 2nd वीक तक इसको बढ़ने दूंगा, और तब तक ये काफ़ी मैच्योर हो जाएगी, तो मैं इसको कटिंग करके इसके देसी रोज़ के नए प्लांट बनाऊंगा कटिंग लगा करके, और उसके बाद जो ये ब्रांचें बचेंगी इस पर मैं फिर से नए रंगों के गुलाबों की ग्राफ्टिंग करूंगा। तो मेरे पास ये इस पर 3 कलर ये और 3 कलर मुझे ये मिल जाएंगे अगर ये सक्सेस रहती हैं। साथियों, मैंने पहली बार ग्राफ्टिंग की है और बहुत डर डर के ग्राफ्टिंग कर रहा था कि कहीं ये मेरा प्लांट ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये देखिए ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई है और ग्रोथ आप देख सकते हैं, सामने आपके है, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत सफल हो जाती है। ये भी ये देखिए अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग, बड़े फ्लावर नहीं हैं क्योंकि मौसम नहीं है, जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाएगा इसके फ्लावर भी बड़े होते जाएंगे, बहुत खूबसूरत। देखिए हर ब्रांच में कलियां बन रही हैं, बहुत सुंदर पौधा होता है। साथियों, ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक लेकर आता रहूं। धन्यवाद।